हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेरेस से थोड़ा बाहर यानी कि अपने खेत में लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा खेत है हमारा और हम मॉर्निंग वॉक पे जब निकले तो खेत के तरफ चले गए, तो सोचा कि चलो आपके साथ भी व्यू शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था क्योंकि पूरे खेत में गेहूँ लगी हुई है। यहाँ पर मैं गिर गई थी इसलिए कैमरा थोड़ा उलट पलट हो गया और मुझे काफ़ी ज़ोर से लगा भी था घुटने में, तो फिर भी मैंने छोटी छोटी सी क्लिपिंग आप सबके लिए ली है, तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ। देखिए, मैंगो प्लांट भी है हमारे खेत पे, 4-5 है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा चलने में दिक्कत लग रही थी, मैं बार बार थोड़ा सा स्लिप हो जा रही थी, हैबिट नहीं है इस तरह से खेतों में चलने की, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। खेत थोड़ा आउटर पे है तो मेरा आना कम होता है, इसलिए मुझे हैबिट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड आते रहते हैं तो वो बड़े आराम से चल रहे थे। यहाँ पे देखिए, चने लगे हुए थे एक साइड पे, थोड़े से पोर्शन में इन्होंने चने लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे बन भी गए थे। और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे नालियाँ सी बनी हुई थी और उनमें पहले से इन्होंने बीज डाल दिए हैं, जो खेत में दादा रहते हैं उन्होंने बीज डाल दिए हैं। जैसे ये चने का हार्वेस्ट लेंगे तो इनकी जो समर वेजिटेबल्स जैसे लौकी, तोरी या ककड़ी वगैरह होगा, उनकी बेलें रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से प्लानिंग करके करते हैं खेती। ये देखिए, ये सारे चने हैं और काफ़ी अच्छे चने थे, मीठे, हमने खाए भी और घर के लिए भी लेके आए। खेत में एक दादा रहते हैं और वही खेत का पूरा रखरखाव करते हैं, वही बोते हैं और वही हार्वेस्ट करते हैं, जो भी हार्वेस्ट होता है उन्हीं का होता है। और एक साइड पे देखिए कितनी अच्छी, पीछे पीछे जो आपको दिख रहा है वो गेहूं लगी हुई है और एक साइड पे वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। गेहूं भी बिल्कुल पक के रेडी है और लगभग 1 मंथ में ये गेहूँ को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है गेहूं की बालियाँ, मेरे हिसाब से तो 1 मंथ में हार्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में सीड डले हुए हैं, जगह जगह पे सीड डले हुए हैं, तो इसके बाद जो ये लगाएंगे, अगर वो दादा होते थे खेत पे तो मैं उनसे पूछती थी कि क्या क्या लगाया आपने। और ये देखिए चने लिए हमने और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ एक साइड पर सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, ये सब मुझे मेरे हस्बैंड दिखाते जा रहे थे और बताते जा रहे थे, क्योंकि वो अक्सर आते हैं तो उन्हें सब पता था। और यहाँ पे भी किसी चीज़ की बेल लगी हुई है, प्लांट लगा हुआ है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था ये किस चीज़ का है, आपको पता चल रहा हो तो आप बताइएगा। इसमें वाइट फ्लावर था। और ये देखिए खेत का असली लुक कितना अच्छा लग रहा है, ये कंडों का ढेर लगाया हुआ है। और अब हम जा रहे हैं अपने खेत के बाजू वाले खेत में। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से खेत का वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो देखिए, बाजू वाले जो खेत था उसमें पूरे टमाटर लगे हुए थे, काफ़ी हेल्दी टमाटर ग्रो हो रहे थे, सारे ग्रीन थे लेकिन काफ़ी सारे लगे हुए थे। और ऐसे ही ज़मीन पे बिछे पड़े थे टमाटर के प्लांट, ना कोई सपोर्ट दिया हुआ था ना कुछ, यूं ही देखिए कितने अच्छे लग रहे थे ये ज़मीन पर, इस तरह से गुच्छों में लगे हुए थे। और जब मैंने इनसे फर्टिलाइज़र के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया DAP, पोटास और एक धनवर्जिया करके वो बताया उन्होंने कि फर्टिलाइज़र आता है वो हम डालते हैं। तो ये लोग केमिकल तो यूज़ करेंगे ही, क्योंकि आजकल सबको अधिक हार्वेस्ट चाहिए। यहाँ पे एक डॉगी परेशान कर रहा था जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने खेत का बनाया था और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।